आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। जैसा कि आपने सुना ही होगा, अल्ट्रासाउंड आजकल बहुत कॉमन है। नॉर्मली ऑर्थोपेडिशियन के पास में किसी भी पेन के रिलेटेड जाते हैं तो वो अक्सर यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाइए और अल्ट्रासाउंड कीजिए वहाँ पर, जैसे कि नेक पेन, टेनिस एल्बो, बैक पेन, ये सब चीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, अल्ट्रासाउंड दो टाइप के होते हैं, एक डायग्नोस्टिक पर्पस में भी यूज़ करते हैं और दूसरा अल्ट्रासाउंड इन फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं यूएस इन पीटी। अल्ट्रासाउंड जो फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है वो बेसिकली क्या होता है कि रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। अब रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज होती है ना वो मैकेनिकल एनर्जीज में कन्वर्ट होती हैं। ये जो होता है वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है जो कि अबाउ ऑडिबल रेंज होती है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। हाँ एग्जैक्टली, और क्लिनिकली इसकी दो फ्रीक्वेंसीज यूज करता है, 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज जो है वो डीपर टिश्यूज के लिए और 3 मेगाहर्ट्ज सुपरफिशियल के लिए। तो डीपर टिश्यूज में क्या आता है? डीपर टिश्यूज इंजरी जैसे कि टेनिस एल्बो हो गया है, शियाटिका है, ये सब डीप टिश्यू में आता है। सुपरफिशियल के लिए स्कार टिश्यूज के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो अमृता एक बात बताओ, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी अल्ट्रासाउंड किसी एरिया पे देते हैं तो वहाँ पे क्रीम या जेल यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि अल्ट्रासाउंड का जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम लोग क्रीम या जेल यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन के लिए ताकि वो हील हो जाए इस वजह से हम लोग वहाँ पे जेल, क्रीम या ऑयल्स जैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके दो मोड्स होते हैं, एक कंटिन्यूस होता है और एक पल्स्ड मोड होता है। कंटिन्यूस में तो वो कंटिन्यूली ट्रीट, एग्जैक्टली, एंड पल्स्ड में ऑन एंड ऑफ वे में। और अल्ट्रासाउंड इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस से पहले जैसा कि कपलिंग मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा ट्रांसमिट करवाते हैं, बहुत अच्छा पेनिट्रेशन के लिए। और इसके साथ हम लोग जेल की अगर बात करते हैं तो जेल के लिए भी ये बहुत सही है, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करवाती है, मोस्टली तो जेल ही यूज़ करते हैं। ओके ओके, और अल्ट्रासाउंड हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अमृता? अल्ट्रासाउंड हम लोग स्प्रेन, स्ट्रेन, टेंडन इंजरीज में और पेन कंट्रोल करने के लिए, या फिर रीसेंट इंजरीज है उनके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ नहीं करना है वो कहीं पे, अगर कहीं पे अगर बोनी इम्प्लांट्स है, पेसमेकर या वेस्क्यूलर डिजीज जैसे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ करना है। सेफ है, और आप अपने किसी भी पास में फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर अल्ट्रासाउंड ले सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू।